नमस्कार सभी का, मैं हूँ राजेश बड़ेरिया और कंप्यूटर फोर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो एमएस वर्ड, और हमने प्रीवियस जो बार देख लिए हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं रूरल बार। तो प्लीज़ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और जो वो मैंने एक डायग्राम बनाया था बड़ा वाला, जिसके अंदर सारे बार्स एक साथ थे, टूल बार्स, तो आपको ध्यान रखना है ना। फिर देखिए रूरल बार, ओके। यह टेक्स्ट के वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, कंटेंट को सेट करने के लिए। हम पढ़ रहे हैं रूरल बार। आखिर ये बार का काम क्या है? देखिए, रूरल बार का काम क्या है, यहाँ पे कुछ नंबरिंग दी होती है 1 2, और यहाँ पे इस तरीके से आपको ये डमरू टाइप मिलेगा दोनों साइड, है ना, ओके। और 1 2 3 4 7 8 9 इस तरीके से नंबरिंग दी होती है, और यहाँ पे हम कुछ भी कंटेंट क्या करते हैं, टाइप करते हैं, ओके। मान लिया ये पूरा का पूरा पेज है, ठीक है, पेज लेआउट ले रखा है। अब देखिए एक चीज है कि जैसे ये पेज है, यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, मान लिया ये पेज है, ठीक है। एक तो तरीका, पेज को मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, बिल्कुल इसकी जो बाउंड्री है, मैं हर पेज का हर एक स्पेस क्या करना चाहता हूँ, यूटिलाइज करना चाहता हूँ, ये यहाँ से चालू कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जब भी आप पेज प्रिंट आउट निकालोगे और कभी भी आपको इसको बाइंड करोगे किसी फाइल के साथ, टेक करोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ओके। आप पूरा सा कंटेंट पढ़ नहीं पाओगे, या किसी अधिकारी को आप दोगे तो पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी इंडेंटिंग करते हैं, ओके। यहाँ से भी इसको छोड़ देते हैं, और लेफ्ट मार्जिन सेट करते हैं और राइट मार्जिन सेट करते हैं, ओके। तो इस मार्जिन को हम सेट कर देते, क्या हो जाता है, ये वाली लाइनें शिफ्ट होकर आगे खिसक जाती है, ओके। और यहाँ पे स्पेस क्या होता है, ये कंटेंट यहाँ इधर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इससे क्या करते हैं हम, इस वर्टिकल हॉरिजेंटल रूरल बार से आप क्या करते हैं, हॉरिजेंटल रूरल बार ये होता है ना, ये हॉरिजेंटल रूरल बार है और ये वर्टिकल रूरल बार है। इससे हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल रूरल बार से लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल रूरल बार से लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करते हैं, सॉरी, हाँ, वर्टिकल रूरल बार से हम, ये थोड़ा गलत लिख लिया मैंने, हॉरिजेंटल रूरल बार से हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करते हैं ना, लेफ्ट और राइट, ओके। और वर्टिकल रूलर बार से हम कौन सी मार्जिन सेट करते हैं, टॉप और बॉटम, करेक्ट कर लेना। हॉरिजेंटल रूलर बार से हम कौन सी मार्जिन सेट करते हैं, ये हॉरिजेंटल है, तो इससे ऑब्वियस सी बात है, हम इंडेंटिंग को यहां से पुश कर सकते हैं, कंटेंट को यहां से पुश कर सकते हैं, तो मार्जिन कौन सी सेट हो रही है, लेफ्ट और राइट। और वर्टिकल रूलर बार से तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से पुश कर सकते हैं, यहां से पुश कर सकते हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग कौन सी सेट होगी, टॉप और बॉटम। तो वर्टिकल रूलर बार से हम टॉप और बॉटम मार्जिन सेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर बार से हम लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करते हैं, ओके। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ठीक है आप चेक करके देख सकते हो, जैसे मैंने देखा अभी। फिर देखिए टेक्स्ट एरिया, यहाँ वर्ड टाइप किए जाते हैं, ये जो स्पेस बचा हुआ है जहाँ पे मैंने अभी ये टाइपिंग की, इसको क्या हम बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। खाली जो जगह बची हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। चलिए आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो कंटेंट है मैंने लिख दिया है, प्लीज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रूरल बार, अब हम पढ़ रहे हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। स्क्रॉल बार का काम क्या है, लेफ्ट पेज को लेफ्ट राइट टॉप डाउन मूव करना, ओके। स्क्रॉल बार का काम क्या है, पेज मूवमेंट करना, और यही हम बात कर रहे हैं। रूरल बार का काम क्या है, कंटेंट मूवमेंट करना, ओके। रूरल बार क्या करेगा, इसके अंदर जो कंटेंट हमने लिखा है उसको मूव करेगा, लेफ्ट से पुश करेगा, राइट से पुश करेगा, टॉप से पुश करेगा, या बॉटम से पुश करेगा। जबकि उस कंटेंट को लिखने के बाद अगर हमारे हम पूरा पेज देख नहीं पा रहे हैं, तो उस पूरा पेज को मूवमेंट उसको देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार का, ओके, या हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का। देखिए ये जो स्क्रॉल बार है वो क्या है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और ये जो स्क्रॉल बार है वो क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ओके। और उससे क्या था, पेज मूवमेंट होता है, वर्टिकल वाले से क्या होगा, पेज टॉप या डाउन मूव करेगा, और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार से पेज क्या करेगा, लेफ्ट या राइट मूव करेगा, है ना। देखिए स्क्रॉल बार पेज को लेफ्ट राइट टॉप डाउन मूव करता है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। यह टेक्स्ट एरिया वो स्टेटस बार के बीच में होता है, इंपॉर्टेंट, यह टेक्स्ट एरिया वो स्टेटस बार के बीच में होता है, ये स्टेटस बार है ना, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, स्टेटस बार, लेफ्ट स्टेटस बार के बीच में होता है, लेफ्ट राइट पेज मूवमेंट। हॉरिजेंटल बार की बात करें हम, लेफ्ट राइट पेज मूवमेंट, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार क्या करता है, लेफ्ट राइट पेज मूवमेंट करता है, ओके। फिर देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार, यह वर्ड विंडो के राइट साइड में होता है, यह वर्ड, ये पूरी वर्ड विंडो है ना, इसके राइट साइड में होता है, टॉप बॉटम पेज मूवमेंट, ये क्या करेगा,
पेज मूवमेंट क्या करेगा, टॉप या बॉटम, या तो ऊपर किसका आएगा या नीचे किसका आएगा। ओके, बहुत ही ईजी है। आपको एक बार ध्यान रखनी चीजें को, कौन सी चीज कहाँ पे है, सारी चीजें प्रैक्टिकल है। फिर देखिए स्टेटस बार, लास्ट वाली बार हमने डिस्कस की थी वो कौन सी है, स्टेटस बार, जो क्या बताती है, डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताती है कि भाई इसमें कितने पेजेस है, हम आप एज ए यूजर कौन से नंबर के पेज पे हो, अगर आप उसे क्लिक करते हो तो वर्ड क्या है, कितने आपने वर्ड टाइप कर दिए, ओके, कितने कैरेक्टर टाइप कर दिए हैं, या आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, या अगर आप मैक्रो यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ओके, सारी चीजें कौन बताता है, स्टेटस बार। ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और टास्क बार के बीच में होता है। ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार तो ये रहा, और टास्क बार कौन सा होता है, जो नीचे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर हमें दिखता है ना, जहां से हम स्टार्ट करते हैं और जहां पे सारी चीजें पिन रहती है, हमारा ब्राउजर ब्राउजर, वो टास्क बार होता है। तो उस टास्क बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के बीच में क्या रहता है, हमारा स्टेटस बार, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचनाएं बताता है, जैसे पेज नंबर क्या है, वर्ड क्या है, ओके, ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचना बताता है। और सूचना किस साइड बताता है, लेफ्ट साइड में, आपको ध्यान रखना है। स्टेटस बार लेफ्ट साइड में बताता है पेज नंबर क्या है, कितने वर्ड टाइप की है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मैक्रो इनेबल है नहीं, ये सारी चीजें किधर बताता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये लैंग्वेज मैक्रोस। और राइट साइड में क्या बताता है, ये हटा दूं यहां से, राइट साइड में क्या बताता है, यहाँ पे सबसे पहले तो व्यू बटन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जूम इन जूम आउट, ओके, जूम आउट और जूम इन, और ये व्यू बटन, ठीक है। तो राइट साइड में क्या बताता है, जूम आउट जूम इन, या अगर प्लस का बटन है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जूम आउट कर रहा है। और जूम आउट ध्यान रखना, जूम आउट मतलब पेज को बड़ा करना और पेज को एनलार्ज करना, और पेज आप एनलार्ज कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं, 500% तक। इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन कि मैक्सिमम हम डॉक्यूमेंट के अंदर पेज कितना बड़ा कर सकते हैं, 500% तक, और मिनिमम कितना छोटा कर सकते हैं, 10% तक। जूम इन का मतलब छोटा करना, जूम आउट का मतलब बड़ा करना, ध्यान रखना। और कहाँ होता है, राइट साइड में। फिर देखिए व्यू बार, ये रहा यहाँ पे ना, व्यू का यहाँ लिखा रखा है, स्टेटस बार में ही व्यू बटन होते हैं, ये व्यू बटन है तीनों, और तीनों को मैंने यहाँ वापस बना रखा है। ये होता है प्रिंट लेआउट, ये होता है फुल स्क्रीन रीडिंग मोड, और ये होता है वेब आउटलाइन व्यू। ओके, आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम अगर प्रैक्टिकल में जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू कौन सा है, फुल स्क्रीन रीडिंग कौन सा मोड है, वेब आउटलाइन लेआउट कौन सा है। ओके, तो मेरे ख्याल से जितने भी टूल्स थे बाहर से हमने पढ़ लिए, तो एक एक बार हम देख लेते हैं। हमने टाइटल बार पढ़ लिया, ओके, उसके बाद मेनू बार पढ़ लिया, उसके साथ ही रिबन जो होता है वो हमने पढ़ लिया, उसके साथ ही हमने हॉरिजेंटल रूल बार पढ़ लिया, वर्टिकल रूल बार पढ़ लिया, उसके बाद हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार पढ़ लिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार पढ़ लिया, और हमने स्टेटस बार पढ़ लिया। स्टेटस बार के हमने अंदर हमने व्यू बटन्स पढ़ लिए, फिर जूम बटन्स, जूम कंट्रोल पढ़ लिया हमने, ओके, इसको क्या बोलते हैं, जूम कंट्रोल, जूम कंट्रोल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मेरे ख्याल से सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, हर मेनू बार की एक एक टेब लेंगे, उस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन ना छूटे और आपको वैसे नहीं लगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, थैंक यू।